रास्ता नहीं देखा तो सीधा चले। अरे सीधा दूर पड़ेगा ना, सीधा दूर जाके क्या करेंगे, चलेंगे यहीं से, हम लोग साइकिल से जाते हैं, कटारी से जाके फिर मुनारी निकलेंगे। इधर रोड सिग्नल गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग, आए हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर से निकलते वक्त ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि गला भी बहुत दुख रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अभी फिलहाल हम आए हैं मार्कंडे महादेव जी के दर्शन करने के लिए, बट उससे पहले हम लोग यहाँ संगम में आए हैं जहाँ पर तीन नदियाँ मिलती हैं। अब कौन कौन सी नदियाँ हैं, दो ही नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी बता देना। गोमती और गंगा जी का मिलन यहाँ पर होता है, मैं अभी आपको दिखाऊँगी एक सेकेंड। इधर आके सीधा मिल रही है गंगा जी में, देखो। चलो और पास से आपको दिखाती हूँ जा रहा है। उधर मम्मी है, पापा है, बड़े पापा है, रिपेश है, हमारी गाड़ी उधर खड़ी है पीछे। नमस्ते एरिया, अमन अमन चलो बैठे अमन, बैठ उधर, तू किधर बैठेगा? बैठेगी भाई, मेरे को डर लग रहा है। अब बोर्ड चलेगी तब बनाऊंगी वीडियो।
सो गाइज, ये है मार्कंडेय महादेव जी का मेन गेट जहाँ से एंट्री लेते हैं। तो हमने वहाँ से पूजा करने के लिए जल और फूल वगैरह ले लिया था। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी कि अंदर कैमरा लेना ले जाना अलाउड था। वो बात अलग है कि मैं अपना फ़ोन ऑन नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में मेरी मीटिंग चल रही थी कॉलेज रिलेटेड कुछ। देन यहाँ भाई ने छोटी सी वीडियो बना ली। ये है अंदर का सीन जहाँ पे मार्कंडेय महादेव जी के शिवलिंग एंड उधर सामने काल भैरव बाबा का एक वो था, पिंड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, सॉरी अगर मैं गलत हो तो वो रखा हुआ था पहले वहाँ काल भैरव बाबा जी के यहाँ। मतलब मार्कंडेय महादेव जी को पूजने के बाद काल भैरव जी को पूज के तब वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो हम लोग जब वहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे ये अंकल टीका लगा रहे थे, तो हम सब ने मिलकर टीका लगवाया। वो बात अलग है कि मेरी वीडियो किसी ने नहीं बनाई, पर मैंने इन लोग की बनवा दी थी बड़े पापा को बोलकर। तो यहाँ हमने वीडियो बनवाई एंड इसके बाद हम लोग बाहर जब निकले हैं तो हमें यहाँ से जाना था नाना के यहाँ। तो अब आप देखो इसके आगे का व्लॉग कि हम नाना के यहाँ गए। वो बात अलग है कि शायद नाना के यहाँ जाके भी मैंने व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं की थी, मैंने की ही नहीं थी नाना के यहाँ जाके। तो आप देखो एंड एंजॉय करो वीडियो को, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर करना। मेरी हर एक वीडियो फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करने लायक होती है, तो प्लीज़ शेयर करना। ये भी मैं देखो इस वक्त भी मैं अपना वो सुन रही हूँ यहाँ पे कि मीटिंग में क्या बोल रहे हैं सर, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो चलो आप वीडियो एंजॉय करो। सो गाइस, सीन ये है कि मैं अभी जा रही हूँ नाना के यहाँ। एंड नाना के यहाँ बस मैं सिर्फ रात रात सोने के लिए जा रही हूँ, वो भी सुबह 4:30 बजे उठ के, मेरी ट्रेन है। तो अभी आप देखना आगे का सीन कि यहाँ से हम लोग कुछ खाने गए और खाने के बाद मैं सीधा नाना के आ गया। तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, सीधा मैंने सुबह की व्लॉगिंग स्टार्ट की है। सो आप देख लेना, इसके बाद मैं सीधा आपको मिलूंगी सुबह। गाइज, ये नाना के यहाँ का सीन है, लेकिन ये सुबह के 4 बजे का वक्त है जब ये लोग मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और रिपेश आया था गाड़ी लेके जाने के लिए, अंदर रखने के लिए, और ये अमन मेरे को स्टेशन छोड़ने जाएगा, और पापा वगैरह भी जा रहे हैं मुझे स्टेशन छोड़ने। सो गाइज, क्योंकि मेरी ट्रेन सुबह की थी तो मैं नाना के यहाँ सोई ही नहीं थी एंड क्योंकि मैं पूरी रात जगी थी, और ट्रेन में गई तो मुझे इतनी तेज़ नींद आई कि मैं सो गई। उसके बाद मैं उठी थी पता नहीं कौन से स्टेशन पे, मैंने कुछ खाया पिया, फिर मैं सोचा आपको दिखा दूँ ट्रेन में कैसा सीन है। जनरल में भी ऐसा लग रहा था, ये रिजर्वेशन वाला था, बट ऐसा लग रहा था जनरल डब्बा बना रखा है बिल्कुल ही, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेनों में।
एंड उसके बाद मैं घर पहुंची तो बहुत बारिश हो रही थी, मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग किया ही नहीं, मैं घर पहुंच के सीधा बस सो गई थी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। पूरे सफ़र में सिर्फ मैंने आपको ट्रेन की पटरियाँ दिखा दी है, अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बहुत बिगड़ गई थी। एंड इसके बाद मैं घर जाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी, मेरा सिर्फ एक बैग पड़ा हुआ है, पंखा चला के मस्त मैं सो गई। मिलती हूँ आपसे इससे जस्ट नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।